Hello students, good morning. How are you all? Fine. Oh, very good. Okay. Students, in our last lecture, we learned about our chapter number 6, the linear inequality. We learn about the inequality. What is inequality and what is a linear inequality? We already learned. Today I'm going to teach you, or today I'm going to start our examples depending on linear inequalities. Okay, students. So firstly we see type number 1. Okay. So what is the question? The question is, solve the following inequalities and write its solution set. So students, we have given an inequality and we have to solve it. और आई से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब के हमें क्वेश्चन में इनइक्वालिटी हमें देंगे, बराबर हमारे पास इनइक्वालिटी होगी क्वेश्चन में, तो हमें उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमारा जो एक्स की जो भी वैल्यू है, बराबर एक्स के जो भी वैल्यूज होगी, जो भी जितने भी होंगे एक्स के, वो हमें फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, हमारा पहला एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ. और ये आई फील प्राउड एंड हैप्पी दैट स्टार्ट द अवर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर नंबर 6. मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूँ और खुशी महसूस करता हूँ कि आज मैं आपका फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं डिपेंडिंग ऑन अवर चैप्टर नंबर 6. ओके, सो लेट सी. सॉल्व 30x लेस देन 200, मतलब इसको हम सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है. व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर एंड नंबर 2 x इज एन इंटीजर, मतलब जब हमारा x नेचुरल नंबर होगा, बराबर, तब यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यूज हमारी आएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. और जब हमारा x सेट ऑफ इंटीजर होगा तब हमारे x की कौन कौन सी वैल्यू हमारी आएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. सो लेट सी. सबसे पहले सॉल्यूशन में और आंसर हियर द गिवन inequality 30x less than 200. Okay students, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे 30x है ना, मतलब x के साथ 30 मल्टीप्लाई है और हमें सिर्फ सिंपल x चाहिए, x के साथ कोई भी मल्टीप्लीकेशन या डिविजन कोई नहीं चाहिए, बराबर x के साथ कोई एडिशन टर्म हो, सब्सट्रैक्शन टर्म हो, डिविजन टर्म हो या मल्टीप्लीकेशन टर्म हो, कोई नहीं, सिर्फ हमें सिंपल x में कन्वर्ट करना है. तो हम सबसे पहले हमें क्या करेंगे बोलो. सो यहाँ पे मुझे 30 निकालना है ना, बराबर. ओके, आई निगलेक्ट 30 हियर. ओके, सो हाउ निगलेक्ट इट एंड वी कन्वर्ट इन टू सिंपल एक्स. यस, वी डिवाइड बाय 30 ऑन बोथ द साइड, अंडरस्टैंड, ऑफ द इनइक्वालिटी. सो डिवाइडिंग बाय 30 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी वी गेट दैट इंप्लाइज 30x बाय 30 लेस देन 200 by 30. So here 30, 30 both are cancel out. So we get a simple x what we want, which we want. And the 200 by 30, that means we get this 0 is cancelled. So that means we get 20 by 3 or is equals to, if we divide 20 by 30, so we get 36. कितना आएगा? So 6 is 18, मतलब 2 रहेगा, बराबर, फिर से 0, मतलब 6.6 समथिंग आएगा, ऐसा हम समझ लेते हैं, 6.6 समथिंग हमारा आएगा, क्योंकि आप डिवाइड करेंगे 20 by 3. ओके, इफ यू डिवाइड 20 बाय 3 देन यू गेट फर्स्टली 6, 3 6 18 और रिमेन
कितने रहेंगे, टू रहेंगे। ओके फिर से हम जीरो ऊपर से निकालेंगे और फिर से सिक्स वाले डिवाइड करेंगे, फिर तभी हमारे पास कितने, दो ही बचेंगे। फिर ऐसा ही करते करते 6.666 आएगा, तो हम क्या लिख लेंगे, 6.6 लिख लेते हैं। सो दैट इम्प्लाइज एक्स लेस देन 6.6। ओके समझ में आ गया। चलो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है एक्स इज अ नेचुरल नंबर। सो फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो मैंने एक्स क्या ले लिया, कैपिटल एन ले लिया। हेयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू इन अ कर्ली ब्रैकेट एक्स वेयर एक्स लेस देन 6.6 कॉमा एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। सो बोलो हमारे सेट में कितने मेंबर्स आएंगे 6.6 से लेस, मतलब 6.6 से कम मेंबर्स कौन कौन से है, मतलब हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो 6.6 से लेस नंबर्स और वो भी क्या, तो हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कौन कौन से आएंगे, मतलब 6.6 से स्मॉलर नंबर्स, बराबर, विच आर बिलोंग टू अवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वी गेट सबसे पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5 एंड 6, 7 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 7 इज अ लार्जर देन 6.6, मतलब 7 इज अ बिगर देन 6.6, मतलब 7 जो है वो 6.6 से बड़ा नंबर है, बराबर, वो नहीं आएगा। हमें कौन से नंबर लेने, 6.6 से लेस, मतलब स्मॉलर नंबर्स हमें लेने हैं। और कैसे नंबर लेने, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हो वैसे, बराबर, और 6.6 से लेस स्मॉलर नंबर्स एंड विच आर बिलोंग टू अवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट आर ओनली 6 मेंबर्स, विच आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर फॉर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नाउ सिमिलरली वी गेट अवर सेकेंड आंसर नंबर, दिस इज नंबर 1 एंड नाउ वी फाइंड आउट द नंबर 2 फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जेड। हेयरफॉर द फाइनल आंसर सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स वेयर एक्स इज इन 6.6 एंड एक्स बिलोंग्स टू जेड। चलो तो 6.6 से स्मॉलर नंबर्स एंड विच इज बिलोंग्स टू अवर सेट ऑफ इंटीजर्स, तो कौन कौन से आएंगे तो हम देख लेते हैं। तो 6.6 से कम, मतलब हम नेगेटिव साइड जाएंगे, नेगेटिव साइड, तो बोलो कौन कौन से नंबर आएंगे, तो इज इक्वल्स टू डॉट 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 नेगेटिव साइड, बराबर, 6.6 से कम, मतलब 6.6 हमारा जो नंबर है उससे कम स्मॉलर नंबर हमें चाहिए। ओके स्मॉलर नंबर, और कौन से सेट में से हमें फाइनल करने है, सेट ऑफ इंटीजर्स में से, मतलब डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन सेट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट। चलो तो कैसे फाइंड आउट करने समझ में आ गया, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए कितने हैं, 6 मेंबर्स आएंगे, और सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए पॉजिटिव नंबर 6 1 से लेकर 6 तक आएंगे 0, और नेगेटिव नंबर सारे के सारे आएंगे, बराबर। हाँ अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो हमने एक्स के जो वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं ये किसके लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए और ये सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। सो ये जितने भी नंबर्स है ना ये हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ये एक्स की जो वैल्यूज है आप यहाँ पे पुट करेंगे ना 1 by 1, बराबर, तो आपकी इनइक्वालिटी होल्ड करेंगे। कैसे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे ये सेट में से, तो यहाँ 30 मिलेगा, 30 लेस देन 200, ऑब्वियसली 200 इज अ बिगर देन 30, मतलब 200 जो डिजिट है वो 30 से बड़ा है। अब 2 पुट करेंगे तो आपको 60 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 90, 4 पुट करेंगे 125, 150 एंड 6 180। ऑल द नंबर्स इफ यू पुट एक्स इज इक्वल टू दिस 6 वैल्यूज इन योर इनइक्वालिटी देन यू गेट द इनइक्वालिटी इज होल्ड। ओके जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे वो 200 से कम ही मिलेंगे, बराबर। और सिमिलरली आप नेगेटिव नंबर जो भी हम यहाँ पे पुट करें, सपोज 0 पुट करें तो 0 लेस देन 200, 200 इज अ ग्रेटर देन 0, मतलब 200 जो डिजिट है वो 0 से बड़ा ही है। सिमिलरली आप
वन से सिक्स तक तो आपने यहाँ पे ही वेरीफाई कर लिए। अब आप नेगेटिव नंबर सपोज माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ माइनस थर्टी मिलेगा। ऑब्वियसली माइनस थर्टी इज अ स्मॉलर नंबर देन 200। सिमिलरली आप नेगेटिव वैल्यू वन बाई वन आप पुट करेंगे माइनस टू माइनस थ्री तो आपकी जो इनइक्वालिटी है ना वो सेटिस्फाई करेगी, मतलब होल्ड होगी, होल्ड द इनइक्वालिटी फॉर ऑल द नेगेटिव नंबर्स। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करना है? ओके, आपको सिर्फ आपके जो फाइनल आंसर आ रहा है ना बराबर उस पर ही आपको फोकस करना है। ये आपको क्या दर्शाती है? आपकी रेंज दर्शाती है, एक्स की रेंज के कहां तक जा रही है आपकी, बराबर। तो आपकी एक्स की रेंज क्या आएगी? तो 6.6 से कम नंबर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए और सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। समझ में आ गया कैसे आंसर लिखना है? ओके स्टूडेंट्स, गुड। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड इन अवर फर्स्ट एग्जांपल। नाउ वी मूव अवर सेकंड एग्जांपल व्हिच इज एक्सरसाइज 6.1 फॉर सम सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, नंबर टू व्हेन x इज एन इंटीजर, सेम एज प्रीवियस एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, चलो सबसे पहले आंसर में मैं मेंशन कर देता हूं हमें जो इनइक्वालिटी दी है वो आंसर में। हियर द गिवन इनइक्वालिटी विच इज 24x लेस देन 100। ओके स्टूडेंट्स, आई कन्वर्ट दिस टर्म, दैट मीन्स 24x इनटू अ सिंपल x, दैट मीन्स वी डिवाइड, व्हाट वी डू, अवर सेकंड रूल वी अप्लाई हियर, विच रूल, इफ यू डिवाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ द साइड ऑफ इनइक्वालिटी देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी डजंट चेंज, दैट मीन्स वी हैव टू डू हियर डिवाइडिंग by 24 on both the sides of inequality. So we get 24x by 24 less than 100 by 24. So here 24 cancel and we get answer is x less than 100 by 24. That means we get what we get 6 4s or I say 6 4s are 24 and 100, that means 25. We get 25 by 6. Understand? So final answer is x less than, if you divide 25 by 6, you get 4.1 and 6 divided by 25 divided by 6, that means 6 4s are 24 and the remainder is 1. You put 0 there, then you get 10, 6 1s are, that means 4, 0, that means 6 2s are, 6 6 are, that means 1.16, you get 1.16. So the range of x is, you get x less than 4.16. Now number 1, I write the first result for all x, where x belongs to capital N. So the solution, set is equals to in a curly bracket x, where x less than 4.16 and x belongs to capital N. So the numbers which are less than 4.16 and which are belongs to set of natural numbers, we get 1, 2, 3 and 4. 4.16 से less numbers और वो numbers जो set of integer, set of natural number को belong करते हैं, ऐसे कितने numbers है हमारे पास? 4 ही numbers है, 1, 2, 3 and 4. ये चारों के चारों number 4.6 से कम है, मतलब smaller numbers है. और ये चारों के चारों belongs to set of natural number ही है. अगर ये चारों के चारों number आप हमारे ओरिजिनल इनइक्वालिटी है उसमें आप पुट करेंगे ना तो आपकी इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई करेगी. वन पुट करेंगे 24 मिलेगा, टू पुट करेंगे 48, थ्री पुट करेंगे 72, फोर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 96 एंड ऑल द नंबर्स आर लेस देन 100, मतलब 100 से सभी नंबर स्मॉलर ही है, बराबर. चलो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नंबर टू की. क्या है? एक्स इज अ इंटीजर, सो नंबर टू फॉर ऑल एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू Z. So the solution, the
सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x, वेयर x लेस देन 4.16 एंड x बिलोंग्स टू z. सो द आंसर इज 4.16 से लेसर नंबर्स, मतलब स्मॉलर नंबर्स कौन कौन से है, और वो नंबर्स जो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं. तो सभी के सभी नेगेटिव नंबर्स आएंगे, जीरो आएंगे, और ये फोर नंबर्स भी हमारे इंक्लूड होंगे. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, तो डॉट 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 माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री एंड फोर. सो आप देख सकते हैं जो फोर नंबर्स इसमें हमारे आ रहे थे आंसर, वो इसमें तो आएंगे ही, और साथ में क्या आएगा, सभी नेगेटिव नंबर्स और जीरो भी इंक्लूड होगा. ओके, क्योंकि 4.16 से स्मॉलर नंबर मतलब हम नेगेटिव साइड जाएंगे, नेगेटिव साइड की तरफ जाएंगे, बराबर. तो हमें क्या मिलेगा, सपोज मैं जो हूं, मैं क्या हूं, 4.16 हूं, ऐसा समझिए. तो 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर 3 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 1 0 माइनस 1 माइनस 2 टू डॉट डॉट डॉट. सो ये हो गया आपके किसके लिए, तो मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए. अगर आप इनमें से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे हमारी जो इनइक्वालिटी है इसमें हम पुट करेंगे ना, तो आपको जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई करेगी. ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स. ओके, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड इन अवर फर्स्ट टू एग्जांपल्स. नाउ वी मूव अवर नेक्स्ट सम विच इज एक्सरसाइज 6.1 सेकंड सम. सो लेट स्टार्ट द आंसर. Here, the given inequality minus 12x greater than 30. समझ में आएगा, minus 12x greater than 30. अभी स्टूडेंट्स आप यहां पे देख सकते हैं कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो minus 12 मतलब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, बराबर. सो हमें क्या करना है, तो ये माइनस 12 को हमें यहाँ पे यहाँ से निकालना है, मतलब यहाँ से इसकी निगलेक्ट करना है. तो हम ऐसे कौन सा हमारे पास रूल है जो हम अप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली हमारा जो सेकंड रूल था उसका जो सेकंड रूल, मतलब हमारा जो सेकंड रूल मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, बराबर. उसमें एक्चुअली दो सब रूल्स है, कौन कौन से, एक तो इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई सम पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी देन there is no changes in our sign of inequality. मतलब जो हमारी inequality की जो sign है वो change नहीं होगी. If you multiply by some positive integer, बराबर, और positive number. And the second rule is if you multiply or divide by some negative number, okay, negative number, then the inequality will be change. मतलब जो आपकी sign होगी वो change हो जाएगी. तो हम यहाँ पे minus 12 को हमें यहाँ से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, obviously minus 12 से हम डिवाइड करेंगे ऑन बोथ द साइड. और रूल याद रखना स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अवर रूल, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सम नेगेटिव नंबर देन द इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड. समझ में आ रहा है, द इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड. सो वी गेट दैट इंप्लाइज माइनस 12x डिवाइड बाय माइनस 12 एंड दिस हियर 30 बाय माइनस 12. समझ में आ रहा है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तो ग्रेटर देन है, तो उसका क्या हो जाएगा, लेस देन. समझ में आ गया, गॉट इट. ओके, सो माइनस 12 बोथ आर कैंसल आउट. सो वी गेट दैट इंप्लाइज एक्स लेस देन माइनस 30 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, तो 12 टू 24 2.6 रहेंगे. 2.5. बराबर है ना स्टूडेंट्स, 2.5 आएंगे. चलो बोलो क्या आंसर आएंगे, 2. कितना मिलेगा, 30 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, बोलो. चलो बोलो बोलो आंसर कितना आएगा, 2.5 मिलेगा ना. चलो इसका मतलब क्या है कि जो x की जो वैल्यूज है वो क्या आएगी, तो माइनस 2.5 से
लेस आएगी, मतलब स्मॉलर नंबर आएगी। सो ये है हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक काम करता हूँ, एक स्टेप मैं लिख ही देता हूँ, बराबर। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस 15/6, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 5/2, एंड दैट इंप्लाइज एक्स इज ए माइनस 2.5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड द सॉल्यूशन सेट फॉर नंबर वन फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। चलो अभी इसके लिए द सॉल्यूशन सेट, द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स वेयर एक्स लेस देन माइनस 2.5 एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। चलो बोलो स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा आपको यहाँ पे, क्या आंसर मिलेगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो माइनस 2.5 से हमें क्या लेनी है, स्मॉलर नंबर लेनी है। मतलब स्मॉलर नंबर मतलब माइनस 2.5 से स्मॉलर नंबर कौन कौन से आएंगे, तो माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 ऐसे नंबर्स आएंगे ना। पर हमें तो क्या है, तो x बिलोंग्स टू कैपिटल n है, मतलब x बिलोंग्स टू अवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो सेट ऑफ नेचुरल में तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएंगी नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 5। क्या आएगा आंसर, 5। ओके, नो सॉल्यूशन। एंड सिमिलरली फॉर नंबर टू, फॉर नंबर टू एक्स इज एन इंटीजर फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जेड, द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स वेयर एक्स लेस देन माइनस 2.5 एंड एक्स बिलोंग्स टू जेड। अभी मैंने बोला कि माइनस 2.5 से स्मॉलर नंबर कौन कौन से आएंगे, तो माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 अप टू डॉट डॉट डॉट, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3। ओके, सो ये हो गया आपका किसके लिए, तो सेट ऑफ इंटीजर के लिए आंसर, और ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, गॉट इट, गुड। सो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। आज हमने टोटल 3 एग्जांपल्स किए, एग्जांपल नंबर 1, एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट और सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम थोड़े दूसरे इस टाइप के हैं, बराबर, वो सब हम देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप थोड़ा जो भी रूल्स है वो आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक थैंक यू।